जी गाइस, कश है। मैं तो आया था लखनऊ कुछ काम से, बट ओहो तो ही गाइस कश है। तो अभी मैं हूँ फिलहाल अम्बेडकर पार्क। जी हाँ, मैं लखनऊ में हूँ अम्बेडकर पार्क में। मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ, बहुत कंफ्यूज हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि बना ही लेते हैं, क्योंकि मतलब काफ़ी बड़ा पार्क है यार, ये काफ़ी बड़ा पार्क, इसको हाथी पार्क के नाम से भी लोग जानते हैं। मैंने दो चार फोटो वगैरह खींची। भाई तो मैं बताना भूल गया, मैं थोड़ा काम से आया था यहाँ पे, तो काम थोड़ा सा टाइम है उसमें अभी, तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेता हूँ। एक्चुअली ये जो पार्क है ये 2009 में बनाया गया था सुश्री मायावती जी का शासन था। तो आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं पार्क के नज़ारे कुछ। इसका नाम है हाथी दीर्घा, इस पर लिखा हुआ है हाथी दीर्घा। इतना बड़ा रास्ता है आगे पीछे ना, जगह हाथी आती है बस। और यहाँ का थोड़ा साफ सफाई भी अच्छी है यहाँ की, और रोड काफ़ी अच्छी है यहाँ की, काफ़ी चिकनी है वाकई। मैं तो कहूँगा ये मेरा पैसा वर्थ हो गया यहाँ। मैं 15 रुपये देना नहीं चाहता था, बट अंदर आने के बाद लग रहा है कि सही किया मैंने। यहाँ पे एक स्टैचू है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, ये देखिए पीछे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पीछे धूप पड़ रही है, पीछे से सब। यहाँ पर काफ़ी स्टैचू है, ये देखिए पीछे, यहाँ पर एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का एक स्टैचू है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। पर और भी स्टैचू हैं, दो स्टैचू उधर हैं, एक वहाँ पे है, बाकी ये देख रहे हैं पूरा। ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर का व्यू ले रहे, इसके बाद मैं भी निकलूंगा अभी यहाँ से। दोनों उन दोनों में अभी गया नहीं, जाऊंगा भी नहीं, बहुत देर हो गई है। रोज नाम है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि क्योंकि वो लड़की है इसलिए शी, और वो अपनी लाइफ के हीरो है तो शी रोज। मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि यार ऐसा भी कुछ है। और उनकी लाइन भी यही थी कि वर्ल्ड फर्स्ट कैफे टू रन बाई एसी रिटायर्ड सर्वाइवर। आप अगर इधर पार्क आए तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आए। थैंक यू।